24 अगस्त 1971, ये तारीख भारत के क्रिकेट इतिहास की मूर्ति है। ये एक ऐसी तारीख है जिसने उम्मीद दी, जिसने हिम्मत दी और जिसने दुनिया को ये बताया कि हाँ, हिंदुस्तानी क्रिकेट में आखिर कुछ कर सकते हैं और वो कमाल ही कर सकते हैं। ये वो तारीख है जिस दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को उसके घर में पहली बार हराया था। 24 अगस्त टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज का आखिरी दिन, टीम इंडिया को जीत के लिए कुछ रन बनाने थे और वो बना भी लिए गए और फिर इतिहास रचा गया। क्या कमाल का दिन रहा होगा वो। सोचिए कि अगर आज के वक्त में इंग्लैंड को उसके घर में हराना बड़ी बात होती है तो उस वक्त क्या ही जमाना रहा होगा। और ये बात अपने आप में बड़ी हो जाती है कि जब भारत ने 1932 से टेस्ट मैच खेलना शुरू किया था और शुरुआत तो इंग्लैंड के खिलाफ ही हुई थी, लेकिन उसके घर में जाकर पहली जीत 1971 में जाकर मिली। इस वीडियो में उस 24 अगस्त की तारीख को जीने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे उस जीत ने भारतीय क्रिकेट को बदल कर रख दिया। 1971 में टीम इंडिया मंसूर अली खान पटौदी की कप्तानी से आगे बढ़ गई थी और अब बारी मुंबई के अजीत वाडेकर पर भरोसा करने की थी। पहले इंडिया ने वेस्टइंडीज में वो ऐतिहासिक सीरीज जीती जहां सुनील गावस्कर और दिलीप सरदेसाई ने दुनिया को अपनी बल्लेबाजी दिखाई और फिर उसके बाद इंडियन टीम को इंग्लैंड जाना था। वो इंग्लैंड जो उस वक्त दुनिया की नंबर एक टीम थी। सीरीज शुरू हुई और इंग्लैंड में पहले दोनों टेस्ट इतने करीबी रहे कि मैच किसी के भी खाते में जा सकता था, लेकिन इंडियन टीम ने दोनों मैच ड्रॉ करवाए और सीरीज को जिंदा रखा। और ये एक बड़ी बात थी। बड़ी बात इसलिए क्योंकि 1971 की इस सीरीज से पहले टीम इंडिया ने इंग्लैंड में जाकर कुल 19 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें से जीता तो एक भी नहीं था, लेकिन बड़ी मुश्किल से 4 मैच ड्रॉ जरूर करवा लिए थे। लेकिन 1971 ने इस आंकड़े को बदल कर रख दिया। टीम इंडिया ने उस सीरीज में 3 मैच खेले, 2 ड्रॉ करवाए और आखिरी टेस्ट जीत लिया। अब आते हैं तीसरे टेस्ट मैच पर। तीसरा टेस्ट खेला जाना था ओवल के मैदान पर। यह मैच 19 अगस्त को शुरू हुआ। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 355 रन बना दिए। इंडिया ने भी दिलीप सरदेसाई और फारूक इंजीनियर के अर्धशतकों से इंग्लैंड को करारा जवाब दिया, लेकिन मैच के 3 दिन खत्म हो गए और भारत की पहली पारी अभी भी जारी थी। लगने लगा था कि यह मैच भी दोनों टेस्ट की तरह ड्रॉ ही हो जाएगा, लेकिन उसी दिन टीम इंडिया 284 पर ऑल आउट हो गई और 71 रनों से पिछड़ने वाली टीम इंडिया ने बाद में धमाकेदार वापसी भी की, क्योंकि यहां पर भगवत चंद्रशेखर ने उस मैच में कमाल का स्पेल फेंका कि इंग्लैंड टीम उस स्पेल में फंस गई। चंद्रशेखर ने उस पारी में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6 विकेट चटकाए थे, जिसकी मदद से इंग्लैंड की टीम सिर्फ 101 रनों पर ढेर हो गई थी। यानी इंडिया के सामने इंग्लैंड में पहली सीरीज जीत के लिए अब सिर्फ 173 रनों का लक्ष्य रखा गया था। जवाब में इंडियन टीम टारगेट का पीछा करने पहुंची। दिलीप सरदेसाई के साथ मिलकर अजीत वाडेकर ने उसी दिन टीम को जीत की पटरी पर डाल दिया था, लेकिन 45 रन पर बनाकर वाडेकर रन आउट हो गए। आउट होते ही वाडेकर ड्रेसिंग रूम में गए और सो गए। सैयद आबिद अली ने जब जॉन स्नो की बॉल पर चौका मारा तब कप्तान सो ही रहे थे। उन्हें जगाया गया और बताया गया कि हिंदुस्तान जीत गया है। ये भारत की इंग्लैंड में पहली टेस्ट जीत थी। ये इतिहास था जो इन लड़कों ने रचा था। उस मैच में कई कमाल की चीजें हुई थी। एक तो ये कि जब टीम को जीत मिली तब कप्तान सो रहे थे। दूसरा ये कि मैच का तीसरा दिन जब शुरू होने वाला था तब मैच से पहले मैदान में एक हथनी आई थी, उसका नाम बेला था। तब कप्तान अजीत वाडेकर ने कहा था कि गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान ने दर्शन दिए हैं, अब हम जीत ही जाएंगे। वैसे इसी सीरीज में एक टक्कर सुनील गावस्कर और जॉन स्नो की भी हुई थी। ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि जॉन स्नो को 2 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि वो आखिरी टेस्ट मैच में खेलने के लिए वापस आ गए थे और कमाल ये भी हुआ कि इन दोनों पारियों में उन्होंने सुनील गावस्कर को आउट भी कर दिया था। 1971 की इस जीत ने भारत के लिए इंग्लैंड या विदेशी सरजमी में जीत के रास्ते खोल दिए थे। जब टीम इंडिया वापस भारत आई थी तो मुंबई में खुली गाड़ी में बढ़िया जुलूस निकाला गया और फैंस ने खिलाड़ियों का दमदार स्वागत किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर। शुक्रिया।